हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एंजल नंबर 96 को लेकर। फ्रेंड्स, एंजल नंबर 96 जब भी आपको नजर आता है, देखिए 69 के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। 69 के सेम प्रोजेक्शन होते हैं 96 में, क्योंकि नंबर सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, परसेंटेज वाइज इसके मीनिंग बस अलग होते हैं। डिग्री वाइज क्योंकि थोड़ा सा शिफ्टिंग है, यहाँ पर 9 पहले है 6 बाद में, तो 69 में जो थोड़े शिफ्ट हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वो बड़ा ही छोटा ये वीडियो होगा जिसमें मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डियर, जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इनके अंदर पे इनकी फेमिनिटी मैस्कुलिनिटी को बैलेंस करने का इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाता है यूनिवर्स की साइड से। जब तक ये अपने इस लेसन को नहीं डन कर लेते, तब तक इनकी ज़िंदगी में अच्छा अबंडेंस का आना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अपनी फेमिनिटी मैस्कुलिनिटी के ऊपर अच्छा काम कीजिए, ताकि आप ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डन कर सके। एक चीज़ और एक्सप्लेन यहाँ पर मैं करूँगी आपको। 96 नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, दैट मीन्स इस समय पर आपकी मैस्कुलिनिटी थोड़ी ज़्यादा एक्टिव है, फेमिनिटी थोड़ी कम। ठीक, तो आपको ये कहा जाता है कि अगर आप अपने मैस्कुलिन साइड में इस समय बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो साइड आपका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल करके आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाएं। अपने मैस्कुलिन साइड में जितने सारे शेडो वर्क करने की ज़रूरत है, यानी मैस्कुलिनिटी एनर्जी के शेडो साइड को हील करने का मैसेज है आपको यहाँ पर। ठीक, ताकि ये थोड़ा बैलेंस हो सके, और फेमिनिटी को एनहेंस करने का मैसेज है, यानी कि मैस्कुलिनिटी जितनी ऊपर आ चुकी है, फेमिनिटी भी उतनी ऊपर आ जाए, बट दोनों कैसे हो, बैलेंस्ड वे में। अगर मैस्कुलिनिटी जितनी ऊपर है उतनी फेमिनिटी ऊपर आ जाए, तो भी आप बैलेंस में आ जाओगे डियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर बिना शेडो वर्क के, मैस्कुलिनिटी एनर्जी में बिना शेडो वर्क के आपका आगे बढ़ना थोड़ा सा, ये क्या होता है ना, आगे बढ़ते जाते हो पर फिर पुरानी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। ऐसा होता है जब आप इस लेवल पर बैलेंस पा लेते हो, तो क्या होता है कि आप एज से तो बड़े हो जाते हो, पर आप बचकाना हरकत करते हो, छोटी मिस्टेक करते हो, और ऐसे ये एक आप ही को लगता है कि ये मिस्टेक मुझसे कैसे होगी, इतनी बकवास मिस्टेक कैसे होगी, इतनी सिली मिस्टेक होती है। ये उन सोल्स का आज होता है, यानी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं सोल्स, फिर भी ऐसा कर रही हैं। रीज़न, क्योंकि परसेंटेज वाइज जब इन्होंने बैलेंस पाया, ये ऊपर बढ़ी, तो बैलेंस पाने के साथ साथ इन व्यक्ति ने अपना शेडो वर्क उस एनर्जी के लिहाज से कम्प्लीटली डन नहीं किया। तो डियर, मैं कहूँगी अगर आज आपको 96 नंबर नज़र आ रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए अपने मैस्कुलिन साइड को एक बार देखिए, पेन और पेपर की सहायता से सारी चीज़ें लिखिए, उसके बाद उसका शेडो वर्क करना शुरू कीजिए। अगर आपको एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, आप फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, पैनिक हो जाते हो, तुरंत से ईगो सेल्फ हर्ट हो जाता है, सारी चीज़ ये शेडो वर्क है जो आपको करना है। ठीक है जी, एक एक चीज़ डन करते जाओगे, आपकी चीज़ें आसान होंगी और बहुत अच्छे ढंग से आप बैलेंस में आ जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।